हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 13 दिसंबर 2021, आज के सबसे बड़ा जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि हमने 21 साल बाद, 21 इयर्स बाद, भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। इसके पहले सन 2000 में लारा दत्ता बनी थी मिस यूनिवर्स, और 2021 में पंजाब की रहने वाली हरनाज संधू बनी है मिस यूनिवर्स। ये जो मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट था, ये इलियट शहर में हुआ है, और ये इलियट शहर कहाँ है? इसराइल में। मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट का सबसे बड़ा अवार्ड है, और इसके 4 दिन बाद अब मिस वर्ल्ड भी होने वाला है। देखते हैं उसमें इंडिया की क्या रैंक आती है। तो हमारे देश में 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का खिताब आया। मिस यूनिवर्स का खिताब इसके पहले सन 2000 में लारा दत्ता ने लाया था। 1994 में उसके पहले सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। डियाना हेडन की बात करें, ऐश्वर्या राय की बात करें, ये लोग, इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो ये काफी अच्छी खबर है कि 21 साल बाद भारत की पंजाब से बिलोंग करने वाली 21 वर्षीय, 21 ईयर्स इनकी एज है, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। एक फन फैक्ट बताता हूँ, मिस यूनिवर्स को जो कंडक्ट कराती है कंपनी जो है, उसके को फाउंडर है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को फाउंडर है, यानी पार्टनर है जो मिस यूनिवर्स कराता है, और डोनाल्ड ट्रंप जो बिडेन से पहले यूएसए के राष्ट्रपति थे। 1955 में मिस यूनिवर्स की शुरुआत वैसे हुई थी, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्लोदिंग है, मिस यूनिवर्स इसलिए शुरू किया गया था कि जो क्लोदिंग ब्रांड्स हैं उनको ज्यादा प्रमोट किया जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं 6th शेड्यूल के बारे में। देखिए, लद्दाख जो कि 31 अक्टूबर 2020 से यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, इसको यूटी का दर्जा मिला है, ये मांग कर रहा है कि हमें आप 6th शेड्यूल में डालिए, हमें आप 6th शेड्यूल में रखिए। और 6th शेड्यूल में क्यों रखने की मांग कर रहा है, क्या होती है 6th शेड्यूल, ये आपका पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, और इसमें 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल्स एरिया के लिए बात करती है, लेकिन ट्राइबल्स एरिया के लिए तो 5th शेड्यूल भी बात करती है, 5वीं अनुसूची, लेकिन 6th शेड्यूल में स्पेशली असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जो ट्राइबल एरियाज हैं वो 6th शेड्यूल में, 6वीं अनुसूची में आते हैं। इसके इतर देश में जहां जहां भी अनुसूचित एरिया है, ट्राइबल एरियाज हैं, वो 5वीं अनुसूची में आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज किस अनुसूची में आएंगे? 5th शेड्यूल में, 5वीं में। और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के जो ट्राइबल एरियाज हैं वो 6th शेड्यूल में आते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो लद्दाख है, यहाँ की जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये क्यों मांग कर रही है कि हमें आप 6th शेड्यूल में डालिए? 5th शेड्यूल में रहने में क्या दिक्कत है इनको? देखिए, 5th और 6th शेड्यूल में अगर जो बहुत बेसिक अंतर की बात करूं, बात तो देखिए दोनों ट्राइबल एरियाज की कर रहे हैं, लेकिन 6वीं अनुसूची में जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो कि मैंने बताया असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के टोटल 10 ऐसे इलाके हैं, लोकेशन है, जिनको हमने 6th शेड्यूल में डाला है। यहाँ पे जो आदिवासी हैं, यहाँ पे जो आदिवासी रह रहे हैं, ये इनका जो रहन सहन है, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही प्राचीन है। इसे इंग्लिश में कहते हैं बहुत ही एंथ्रोपोजेनिक नेचर का है, यानी ये हजारों साल पहले जैसे जीवन जी रहे थे वैसा आज भी जी रहे हैं। वहीं अगर एमपी, यूपी के, एमपी की, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स की बात करूं, तो वो फिर भी आम लोगों से घुल मिल गए हैं, वो भी जीन्स पहनते हैं, वो भी बाइक चलाते हैं, घुल मिल गए हैं। लेकिन इनका जो जीवन शैली है, रहन सहन है, वो काफी ज्यादा, जैसे कह सकते हैं कि पुराना है, हजारों हजारों साल पुराना है। इसलिए यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं इनको 6th शेड्यूल में डाला, यही सबसे बेसिक अंतर है। ऐसा नहीं कि उत्तर पूर्वी के हैं तो इसलिए हमने 6वीं अनुसूची में डाला। इनका जो जीवन जीने का तरीका है, जो रहन सहन है, जो भी इनकी वे ऑफ लिविंग है, वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। जैसे कह सकते हैं कि जैसे प्री हिस्टोरिक एरा के पहले का इनका जीवन का जीने का तरीका आज भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए इनको 6वीं अनुसूची में डाला है। लद्दाख भी मांग कर रहा है। लद्दाख, जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख जो है यहाँ पे ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, और ये लद्दाख यूटी बना 31 अक्टूबर 2020 को,
पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था, लेकिन 31 अक्टूबर 2020 को लद्दाख को यूटी बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश विद लेजिस्लेचर विद विधानसभा। तो ये भी ये मांग कर रहा है कि मुझको भी छठवीं अनुसूची में डालो। यानी कि किसने मांग की, लद्दाख की ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने मांग की कि भाई जिस तरह आपने असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के टोटल 10 जगह को आपने डाला है जहां पर ट्राइबल आबादी बहुत ज्यादा है, हमको भी डालिए। क्योंकि लद्दाख का कहना है कि देखिए हमारी टोटल पॉपुलेशन का 90% पॉपुलेशन जो ट्राइबल एरिया है, और इसमें भी आप बात करें तो बाल्टी बेटा बोट रोकपो चांगपा मोन पुरिंगपा ये सब हमारी मेन जनजातियां हैं, तो आप हमको क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि हम तो 90% है। अब सवाल ये है अगर इनको सिक्स शेड्यूल में डालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान का आर्टिकल 244 बताता है, शेड्यूल 6 के बारे में बात करता है, और ये बात करता है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और आर्टिकल 275 जो है ये ग्रांट्स की बात करता है, जो अनुदान होता है उनकी बात करता है कि इनको ये ऐसे एरियाज को सरकार की तरफ से केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से किस तरह का अनुदान या ग्रांट मिलेगा। तो अभी तक असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के 10 ऑटोनोमस काउंसिल हैं और इन्हें ये छठवीं अनुसूची में आते हैं। ये जो ऑटोनोमस काउंसिल है यानी कह सकता हूँ कि स्वायत्त जो परिषद है, इनके नाम में जब स्वायत्त लगा है तो सच में ये स्वायत्त होते हैं, ये अपना लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, कुछ लेवल का क्रिमिनल ऑटो मतलब क्रिमिनल जस्टिस की ऑटोनॉमी इनके पास है, टैक्स लगाने की ऑटोनॉमी इनके पास है। और ये जो काउंसिल होती हैं ऑटोनोमस काउंसिल होती हैं हर जिले की, मतलब जो जिले हैं इसमें, जैसे मैं असम की बात करूँ तो कार्बी आंगलोंग बोडोलैंड कछारी एरिया ये सब आते हैं आपके छठवीं अनुसूची में। तो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, इनकी जो काउंसिल है इनकी जो परिषद है इसमें कुल 30 मेंबर्स रहते हैं, और इन 30 मेंबर्स में से 26 मेंबर तो इलेक्ट होते हैं वहीं के लोग, इनको वोट डाल के जिताते हैं, और जो 4 होते हैं उनको राज्यपाल, वहां का जो राज्यपाल होता है वो नियुक्त करता है। तो टोटल ऑटोनोमस काउंसिल 30 मेंबर्स बॉडी होती है, इसमें 26 इलेक्टेड होते हैं, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे, और 4 जो होंगे वो नॉमिनेट होंगे, राज्यपाल नॉमिनेट करेगा। और हेलो तो ये जो 26 होते हैं ऑटोनोमस काउंसिल के, ये एक तरह ये कह सकते हैं कि सही मायने में ऑटोनोमस होते हैं, और इनके पास बहुत ज्यादा ऑटोनोमी होती है, लेकिन ये पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते, राज्यपाल के अधीन ये काम करते हैं, क्योंकि आपको ऑटोनोमस दिया ऑटोनोमी दी गई है कि आपके अलग कल्चर है, आपका रहन सहन अलग है, आप प्री टाइप ट्राइबल जो इरा है उस तरह रह रहे हैं, इसलिए आपकी संस्कृति आपकी कला को हम छेड़ेंगे नहीं। जो कानून पूरे देश में चल रहा है वो फिलहाल आपके आने चलेगा, अपने कानून आप खुद बना सकते हैं, लेकिन आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, आप कुछ भी करिए, इसलिए एक तरह का चेक है। और 4 जो मेंबर्स हैं इसमें वो राज्यपाल की तरफ से जाते हैं, और वो तब तक उनका टेन्योर रहता है जब तक राज्यपाल उनको हटा नहीं लेता। और ये जो जैसे मैंने बात की जो काउंसिल की जो पावर होती है, ये अपने एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, और ये इनके पास लगभग सारी ही पावर होती है, चाहे वो जमीन को लेकर, जंगल को लेकर, पानी को लेकर, कल्टीवेशन को लेकर, जो आपके कल्चरल राइट्स हैं, ट्राइबल राइट्स हैं, उन सब को लेकर इनके पास पर्याप्त ताकत रहती है। और जो भी ये कानून बनाते हैं अल्टीमेटली राज्यपाल के उसमें साइन होने चाहिए, लेकिन राज्यपाल इन्हीं की अनुशंसा पे साइन करता है, ऐसा नहीं कि राज्यपाल अपने मन से किसी भी कानून को रोक दे फिलहाल। तो यहाँ पे विलेज काउंसिल भी होती है, ग्राम परिषद भी होती है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होती है। और ये जो अभी मेरे देश में छठवीं अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, चारों नॉर्थ उत्तर पूर्व के हैं, और 4 उन 4 राज्यों के अंदर 10 ऑटोनोमस काउंसिल हैं। लद्दाख चाह रहा है कि मुझको भी इसमें रख लिया जाए। अगली न्यूज में चलते हैं, चाइनाज प्रोजेक्टेड बलूचिस्तान पोर्ट। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, एक राज्य है, पाकिस्तान में टोटल 4 राज्य हैं। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य है और सबसे गरीब राज्य, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन मिनरल्स रिसोर्सेस में सबसे रिच राज्य।
यानी यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सरकार द्वारा फंडिंग नहीं होती, सरकार इनको पैसा नहीं देती, टैक्स कलेक्शन इनके पास आता नहीं है ढंग से। यानी सबसे गरीब जो राज्य है वो है बलूचिस्तान, इसी के बगल में आपको मिलेगा सिंध, इसी के बगल में सिंध मिलेगा, उसके ऊपर आपको लाहौर मिलेगा। तो ये बलूचिस्तान जो है यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ही बहुत कमजोर है। लेकिन 2015 में पाकिस्तान ने अपने परम मित्र चाइना के साथ मिलकर यहाँ पे एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात रखी कि हम मिलकर, हम दोनों भाई मिलकर एक कॉरिडोर बनाते हैं, जो कॉरिडोर चाइना के शिनजियांग से निकलेगा और भारत का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से होता हुआ, ये पाकिस्तान से होता हुआ अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, बलूचिस्तान में, और वहां पे ग्वादर बंदरगाह पे को कनेक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 में ये बना है, और इसमें चाइना ने पाकिस्तान को ये सपने दिखाए कि मैं पूरी फंडिंग कर देता हूँ, मैं रोड बना देता हूँ, मैं डैम बना, मैं हाईवेज बना देता हूँ, मैं पोर्ट बना देता हूँ, सब कुछ मैं कर देता हूँ। इससे क्या होगा, एक तो मैं पाकिस्तान को यूज़ करके अपनी कनेक्टिविटी अच्छी कर लूँगा, बस सीधे चाइना को जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो हो जाएगा, दूसरा पाकिस्तान को इतना ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको टैक्स मिलेगा, चुंगी मिलेगी, इससे पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक जो हेल्थ है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो चाइना ने बोला कि सारा फंडिंग मैं करूंगा और अल्टीमेटली मैं तुम्हारे जो बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है इसको भी डेवलप करूंगा, और यहाँ पे मेरा सामान आएगा उतरेगा, और यहाँ से बाय रोड बाय ट्रेन हम सीधे शिनजियांग पहुंचेंगे, और शिनजियांग के बाद से वो मेरे पूरे देश में पहुंच जाएगा, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है बहुत सा हिस्सा बन चुका है, बहुत सा हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब जब ये बन रहा था तो यहाँ के जो बलूचिस्तान के लोग हैं इनको काफी सपने दिखाएगा कि जब ये बन जाएगा 3000 किलोमीटर लंबा चाहिए बन जाएगा तो बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा समृद्धि आएगी, बलूचिस्तान के बच्चे को अच्छी नौकरी मिलेगी, काफी पैसा आएगा, संपन्नता आएगी, सब कुछ। लेकिन 2015 से ये बना है, आज 2021 खत्म होने को आ गया है, बलूचिस्तान के लोगों ने देखा कि यार हमको तो कुछ फायदा मिल ही नहीं रहा है। ऊपर से अभी ग्वादर के पास एक बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है किराए पे कि आप अपनी यहाँ पे कॉलोनी बना लीजिए, अपना एक छोटा शहर बना लीजिए और यहाँ पे आप ही रहिए, यानी यहाँ पे आप इस शहर के अंदर आपका ही नियम कायदे कानून चलेंगे। और ये सब देख के अब बलूचिस्तान के लोग जो ग्वादर के पास आसपास रहते हैं उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, एक तरह से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि भाई ये बंद करो ये सब प्रोजेक्ट, आपने वादा किया था कि यहाँ पे इतना इंफ्रा बनेगा, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट होगा तो यहीं के लोगों को काम दिया जाएगा। लेकिन चाइना क्या करता है, अपने चाइनीज लोगों को लेकर आता है और उनसे काम कराता है, लोकल लोगों को काम नहीं देता। यहाँ जो बलूचिस्तान है इसकी मेजर जो इकोनॉमी है वो पानी से है, मतलब फिशरीज से है, और चाइना ने पिछले 5 सालों में यहाँ पे सारी जो फिशरीज है, जो भी मत्स्य पालन है, उसमें पूरा कंट्रोल कर लिया और यहाँ के लोकल लोगों को मछली पकड़ने नहीं देता है, अपने बड़े बड़े ट्रॉलर मंगाता है और हजारों किलो की मछलियां निकाल के ले जाता है। यहाँ के लोकल लोगों को चाइना किसी भी तरह काम नहीं देता है, उल्टा यहाँ पे जो चाइनीज लोग काम कर रहे हैं उनको चाइना ने कह रखा है कि वर्दी पहन के काम करो, मतलब एक लोकल मजदूर को चाइनीज आर्मी की वर्दी पहन के काम कर रहे हैं और साथ में बंदूक लेकर काम कर रहे हैं। तो आम लोगों के दिलों में काफी डर है कि हो क्या रहा है, ऐसा ना हो कि चाइना हमको गुलाम कर ले। पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं और हमको यहाँ पे एक रुपया नहीं मिल रहा, और अब तो यहाँ पे एक पोर्ट सिटी बन रही है जो कि जो जमीन पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया कि आप यहाँ पे अपना शहर बना लीजिए और अपने ही लोगों को आप यहाँ रखिए, क्योंकि आप यहाँ पे इतने लंबे समय तक काम करेंगे तो आप यहाँ पे रहिए। क्योंकि अभी हुआ ये कि 8 महीने पहले चाइनीज वर्कर की एक बस को बम से उड़ा दिया गया था, तो चाइना ने काफी प्रोटेस्ट जाहिर किया था कि भाई तुम्हारे यहाँ के जो लोग हैं बलूचिस्तान के हम पर अटैक करते हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सब देखते हुए चाइना यहाँ पे अपने छोटा सा शहर बनाएगा, वहाँ खुद वो रहेगा, अपने नियम कायदे कानून चलाएगा, और तो और इस पूरे बलूचिस्तान में ग्वादर के आसपास चाइना यहाँ के लोकल लोगों का जो मोहल्ला है, जो शहर है, उसको फेंसिंग से बंद कर रहा है कि आप लोग बाहर नहीं आ पाए, आप लोग अंदर रहें और हमारे काम को डिस्टर्ब ना करें। यानी अपने देश में ही ये लोग एक तरह से रिफ्यूजी बने जा रहे हैं और चाइना मनमानी कर रहा है। इसी को देखकर बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट काफी तेज हो गया है, और इस वजह से जो चाइना है उसने पाकिस्तान सरकार को लताड़ा कि भाई आप अपने यहाँ के प्रोटेस्टरों को शांत कराइए। और दूसरी बात ये कि जिस तरह पाकिस्तान
कश्मीर में फंडिंग करके यहाँ पे इंसर्जेंसी फैलाता है, उस तरह पाकिस्तान भारत पे आरोप लगाता रहता है कि जो बलूचिस्तान के लोग हड़ताल कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन सबको फंडिंग भारत करता है, यहाँ के लोगों को पैसा भारत देता है, वो हमसे कश्मीर का बदला यहाँ निकालता है, बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है वो भारत करवाता है, भारत की रॉ करवाती है। तो ये पाकिस्तान का एक नैरेटिव है कि भारत कश्मीर का बदला हमसे बलूचिस्तान में लेता है। खैर, और जब ये CPEC बना था तब हमने भी काफ़ी इसको प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि आप कहाँ से गुजर रहे हैं, आप हमारे एरिया से गुजर रहे हैं, और हमारे एरिया से गुजर रहे हैं आप, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजर रहे हैं जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, और आप उस एरिया से आप हाईवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट करने के बावजूद उसने यहाँ पे बनाया और यहाँ प्रोजेक्ट पूरे कर चुका है, वो नीचे तैयारी कर रहा है, लगभग 3000 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइन सब कुछ बनेगा अल्टीमेटली, और ये अल्टीमेटली शिनजियांग जो कि चाइना का एक प्रोविंस है उससे किसको कनेक्ट कर रहा है, ग्वादर बंदरगाह को कनेक्ट कर रहा है। हमने भी उसका तोड़ निकालने के लिए काम किया था, हमने ग्वादर के पास ही ईरान है, ये जो बॉर्डर है ये ईरान है, ईरान का एक यहाँ पे बंदरगाह है, उसका नाम है चाबहार बंदरगाह। हमने चाबहार बंदरगाह डेवलप किया और लगभग 72 किलोमीटर की दूरी है चाबहार और ग्वादर में, एक काउंटर के लिए कि भाई अगर यहाँ पे चाइना अपनी प्रेजेंस रखेगा तो हम भी बगल में प्रेजेंस रखे हुए। हमने इसलिए इसको बनाया था कि ईरान के माध्यम से हम अफगानिस्तान होते हुए जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ तक जा सकते हैं और अल्टीमेटली रशिया पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा रास्ता घूमकर जाना पड़ता है रशिया अगर जाना है। तो ये हमारा भी एक चाबहार बंदरगाह है, लेकिन अभी फिलहाल जब से अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान जब से आ गया है तो हम किसी भी तरह का चाबहार से मूवमेंट अफगानिस्तान होते हुए नहीं कर पा रहे, तो अभी फिलहाल ये काम बंद है, लेकिन चाबहार को हमने डेवलप किया है और चाबहार बंदरगाह ईरान में है और ग्वादर कहाँ है, पाकिस्तान में। इन दोनों की दूरी लगभग 72 किलोमीटर की है, और ग्वादर को किसने डेवलप किया, चाइना ने, और चाबहार को किसने डेवलप किया है, इंडिया ने। पूरा बंदरगाह नहीं किया हमने, यहाँ पे एक शहीद बेहस्ती नाम का टर्मिनल है उसको डेवलप किया है। तो ये एक विवाद चल रहा है, वहाँ के जो जनता है वही लड़ रही है कि भाई इसको बंद कराओ, और उसने बहुत लंबे स्तर का काम शुरू किया है, उसने वहाँ कोल माइनिंग शुरू कर रहा है, वहाँ सोलर पावर लगा रहा है, वहाँ पे थर्मल पावर लगा रहा है, थार डेजर्ट जो है पाकिस्तान का वहाँ पे वो कोल प्लांट लगा रहा है, तो बहुत ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हाईवे बना रहा है, बहुत कुछ वो कर रहा है, और अल्टीमेटली इतना उसने लोन दे चुका है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक तरह से चाइना के जिसे कह सकते हैं डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, काफ़ी ज़्यादा लोन उसके ऊपर है। अगली न्यूज़ पे बात कर लेते हैं, हमारे देश का जो सौर गठबंधन है सोलर अलायंस, उसको यूनाइटेड नेशंस ने ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया, यानी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है वो जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मोदी जी ने अभी पिछले रविवार को क्या कहा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये 2015 में हमने और फ्रांस ने इंडिया और फ्रांस ने मिलकर साथ में ये विजन लाया कि क्यों ना हम एक सोलर गठबंधन बनाए, सोलर अलायंस बनाए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें अपनी एनर्जी जो नीड्स हैं उसका जो माध्यम है उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी हम लोग कोयले से बिजली बनाते हैं और कोयला जो है वो कम हो रहा है, पहली चीज़ तो फॉसिल फ्यूल है, धीमे धीमे कम हो रहा है, दूसरा वो काफ़ी पॉल्यूशन करता है, और अगर हमें अपनी धरती को बचाना है तो हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और एनर्जी की जरूरत तो हमें रहेगी, जब तक इंसान है तब तक उसको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा उसको कोयले से नहीं चाहिए तो उसके लिए कोई एक अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए। तो उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बैठक हो रही थी, क्लाइमेट चेंज को लेकर बैठक हो रही थी, वो 21वीं बैठक थी, उसका नाम है COP21, और ये बैठक कौन करा था, UNFCCC, तो ये बैठक करा रहा था। इस बैठक में ये चर्चा निकली थी कि क्यों ना हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए। इस बैठक में ही हम दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने ये घोषणा कर दी कि भारत और फ्रांस मिलकर क्या बनाएगा, एक सोलर अलायंस बनाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि एक पेरिस डिक्लेरेशन आया, और उस डिक्लेरेशन से हमने दुनिया को ये बताया कि हमने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना दिया है। तो 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जन्म होता है, और इसकी स्थापना भारत में ही की गई है, भारत में गुरुग्राम जो है वहाँ पे आपको मिलेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये ऐसा पहला संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में। इसका उद्देश्य ये है कि हम दुनिया भर में लगभग 1000 गीगावाट जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त करें, और लगभग
$1,000 बिलियन का इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाएं और ये हमें 2023 तक करना है। हमने दुनिया भर के देशों को कहा कि आप भी इससे जुड़िए, इस अलायंस से जुड़िए और अपने देशों में जो ऊर्जा की जो नीड है उसको शिफ्ट करिए, सोलर में आइए, सौर ऊर्जा में आइए, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एक अक्षय ऊर्जा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी और क्लीन एनर्जी है, पॉल्यूशन नहीं है इसमें और अल्टीमेटली हमारी जरूरतों को ही पूरा करेगा। तो लगभग 80 देशों ने इसको साइन भी किया है और अपने देश की संसद से रेटिफाई भी करा लिया, और लगभग 101 देश ऐसे जिन्होंने साइन कर दिया है अभी उनकी संसद में रेटिफाई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े स्तर का ये एक संगठन बन चुका है और इसकी इतनी रीच को देखते हुए दुनिया भर के लगभग 100 देशों ने हम पे भरोसा दिखाया। इसी रीच को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दर्जा दिया है ऑब्जर्वर स्टेटस का। यूनाइटेड नेशंस को ऑब्जर्वर स्टेटस से फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग्स होगी उसमें रेगुलरली ISA का कंट्रीब्यूशन रहेगा और दुनिया में सोलर को लेकर कोई भी बातें होंगी जो यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के अंतर्गत होगी तो उसमें ISA की से रहेगी, ISA की बात को सुना जाएगा, उसकी बात को माना जाएगा, क्योंकि सोलर को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर दुनिया में इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है जिसके प्रणेता भारत और फ्रांस थे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि भाई आप अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज में आते हैं तभी आप इसमें ज्वाइन होंगे। बहुत से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे 3 महीने 4 महीने धूप रहती फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया है। इसमें ये ऐसी शर्त नहीं कि आप ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं तभी आप इसके मेंबर बनेंगे। तो जो हमारे 2 ट्रॉपिक हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच के क्षेत्र को हम ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ पे जो सनलाइट है वो 12 महीने होती है कम या ज्यादा, लेकिन इसमें ऐसी शर्त नहीं है कि आप इनके ऊपर वाले कंट्री हैं तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते, आप कोई भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये नीड थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की ही कंट्रीज इसको ज्वाइन करेंगे, बाद में हमने इसको हटा दिया है। अब दुनिया में कहीं भी किसी भी नीदरलैंड बेल्जियम भी जो कि बिल्कुल नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए अब इसकी जो एक तरह से कहे कि जो रीच है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये आश्चर्य नहीं हुआ कि एक साल के अंदर ये यूनाइटेड नेशंस के बाद सेकंड नंबर का ऐसा संगठन बन जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो भारत सरकार ने भी अपना लक्ष्य बनाया था कि 2022 तक 100 गीगावाट की जो ऊर्जा है वो सोलर एनर्जी से बनाएंगे और टोटल 275 गीगावाट जो ऊर्जा है वो हम 175 गीगावाट जो ऊर्जा है वो हम अक्षय ऊर्जा से बनाएंगे और इसको हमने और इस रिन्यू करके अब कहा है कि 450 मेगावाट की जो ऊर्जा है 450 गीगावाट की जो ऊर्जा है 2023 तक भारत किससे बनाएगा? अक्षय ऊर्जा से बनाएगा। और यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया के देशों को 17 लक्ष्य दिए हैं जो कि 2030 तक पूरा करना है और इस 17 लक्ष्य में जो 7वां लक्ष्य है वो ये कहता है कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात करता है कि हमें एक स्वस्थ और साफ ऊर्जा की आवश्यकता है जो कि दुनिया को मिले, क्योंकि कोयले से अगर ऊर्जा बना भी ली तो अल्टीमेटली हुआ तो पॉल्यूशन ना। इसलिए देखिए भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो वो सोलर को लेकर कितनी ज़्यादा जागरूक है, कितनी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। अभी रीवा में ही अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट बना है जो कि लगभग 650 मेगावाट का है, 750 मेगावाट का है जो कि दिल्ली मेट्रो को बिजली देगा। तो देश भर में बहुत सारे ऐसे सोलर पावर प्लांट बन रहे हैं, घरों में सोलर कनेक्शंस लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है, नेट मीटरिंग में ये है कि जो व्यक्ति डिस्कॉम कंपनी से अपने घर में सोलर कनेक्शन लेता है तो उसके यहाँ एक नेट मीटरिंग का कनेक्शन दिया जाता है कि अगर उसके सोलर पैनल ने ज़्यादा बिजली बना ली तो अपनी बिजली बेच भी सकता है और कम बनाई तो जितनी कम पड़ गई वो पिछली कंपनी से ले भी सकता है। अगली न्यूज़ में चलते हैं, सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह के कानून को लेकर है। देखिए हाल ही में जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि भाई ये जो देशद्रोह का जो कानून है, सेडिशन लॉ जो है, इसको हटाने का हमारा कोई इरादा नहीं, मतलब भारत सरकार इसको हटाने के बारे में सोच नहीं रही है। तो ये GS पेपर 3 का पार्ट है और ये क्यों आया, क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि ये जो कानून है ये कॉग्निजेबल कानून है, इसमें किसी भी तरह की बेल नहीं होती और यहाँ पे किसी भी तरह का कंपाउंडेबल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ शुल्क भर के बाहर निकला है। तो ये जो कानून है इसको हम देशद्रोह कानून कह सकते हैं, देशद्रोह का कानून कह सकते हैं या राजद्रोह का कानून कह सकते हैं। और ये जो कानून है, ये कानून आपको मिलता है IPC की सेक्शन 124A में। कैपिटल ए लगा है इसका मतलब, जब IPC बनी थी एक्चुअल में, भारतीय दंड संहिता जब 1861 में बनी थी तब ये कानून
नहीं था, लेकिन बाद में 10 साल बाद 1871 में इस कानून को जोड़ा गया, इसलिए सेक्शन 124 का कैपिटल ए है ये। ये जो कानून है शुरुआत में ब्रिटेन में आया था, ब्रिटेन में ये था कि राजा के खिलाफ कोई भी कुछ भी ऐसी बात बोल रहा है जो कि राजा के खिलाफ है तो उसको पकड़ सकते हैं इस कानून में। बाद में जब हमारे यहाँ IPC बनी उसके कुछ सालों बाद हमने भी इसको जोड़ लिया। और ये जो कानून है इसमें ये कहा गया है कि जो सरकार है, जिसकी भी सरकार है, अंग्रेज थे तो अंग्रेज की सरकार थी, अभी सरकार जनता की सरकार है, तो जिसकी भी सरकार है उसके खिलाफ अगर कोई भी बातें करता है, कोई भी पोस्टर्स लगाता है, स्लोगन करता है, यदि किसी भी तरह किसी भी फॉर्म से वो सरकार के खिलाफ इस रिस्पेक्ट दिखाता है तो सरकार उसके खिलाफ सेक्शन 124A का उपयोग करके उस पर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर सकती है और मिनिमम 3 साल की इसमें जेल है और मैक्सिमम आजीवन कारावास है इसमें, और पेल नहीं होती सबसे बड़ी बात। तो सरकार का कहना है कि अगर कोई भी देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ ऐसा कोई काम करेगा जिससे देश में दंगे हो सकते हैं, देश का जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वो बिगड़ सकता है, देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, तो हम उसको उठा के इस कानून को लगा देंगे। अब सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में लगभग 400 लोगों को ये कानून लगाया गया है, लगाया गया, लेकिन कोर्ट में लगभग 8 लोगों को ये कानून सिद्ध हुआ, यानी पकड़े कितने गए 400, लेकिन कोर्ट के सामने पुलिस सिद्ध कितने को कर पाई, 8 लोगों, मतलब 2% से भी 2% लोगों को सरकार सिद्ध कर पा रही है इसमें। तो इस पर काफी विचार हो रहा था कि अंग्रेजों के जमाने का कानून है, क्यों चला रहे हो भाई, क्या परेशान करने के लिए अभी तक यूज कर रहे हो, किसी भी लगा दिया और बेचारा वो परेशान है, साल 2 साल जेल में रह गया, जब तक उसका फैसला है तब तक 2 साल वो जेल में रह गया, जनता में एक बन गया नैरेटिव कि ये तो देशद्रोही है, घर परिवार की इज्जत चली गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 2% लोग ही कन्विक्ट होते हैं, कन्विक्शन रेट 2% है, फिर भी सरकार इसको यूज करती है और धड़ाधड़ पुलिस लगाती है इसको। कुछ समय पहले असम का एक कार्टूनिस्ट था, उसने कार्टून बना दिया था, उस पर देश जो लग गया था। कर्नाटक में 8वीं क्लास के कुछ बच्चे थे, वो नाटक प्ले कर रहे थे, कोई प्ले कर रहे थे, सरकार को लगा कि ये देशद्रोह के खिलाफ है, तो उन्होंने पूरे बच्चों पे लगा दिया। 2017 में एक लड़की था मूल्या नाम की, उसने किसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया तो उस पर लगा दिया। एक कोई पत्रकार था, उसने एक कविता लिखी उस पर लगा दिया, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट के पास तो 2% ही कन्विक्शन हो रहा है, मतलब कोर्ट के सामने पुलिस फेल हो जाती है ये प्रूफ करने में कि हाँ भाई इसने देशद्रोह किया है, तो प्रूफ कर नहीं पाती। जब हम आजाद हुए थे तब भी उस पर काफी डिस्कशन हुआ था कि इस कानून को रखना है नहीं रखना है संविधान सभा में, तो ये तय हुआ कि नहीं नहीं अभी रखते हैं, इसको जरूरी है क्योंकि हमारा देश नया नया आजाद हुआ है, देश में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, और अगर हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं होगा तो हम अपने देश को बचा कैसे पाएंगे। तो जो हमारी संविधान का जो पहला अमेंडमेंट था, संशोधन था, उसी में सरकार ने आर्टिकल 19A के A में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात डाल दी, क्योंकि देखिए आर्टिकल 19 का जो ए है, वन है, वो हमें बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपके पास, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी पेंट कर सकते हैं, कुछ भी कविता कह सकते हैं, कोई भी कार्टून कर सकते हैं। लेकिन पहले संविधान संशोधन में सरकार ने स्मॉल ए जोड़कर इसमें क्या लगा दिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यानी तार्किक निर्बंधन लगा दिया कि भाई कुछ कुछ चीज़ों में आपके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, कंप्लीट फ्रीडम नहीं है कुछ भी कहने बोलने की, अगर वो देश हित में बात देश हित के खिलाफ जा रही है, देश की अखंडता एकता सॉवरेंटी के खिलाफ जा रही है, तो हम आपको उठा के बंद कर देंगे। बाद में 1974 में इंदिरा गांधी ने इस कानून का काफ़ी बुरा उपयोग किया और काफ़ी अपने जो विरोधी थे, प्रतिद्वंदी थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया। सबसे पहले सबसे फेमस जो केस है वो 1897 का है, जब तिलक को उनका एक अखबार था केसरी में लिखे हुए एक लेख की वजह से इनको उठा के जेल में डाल दिया गया था। ये कहा गया था कि तिलक के उस लेख की वजह से चापेकर जो बंधु हैं वो एक्साइट होकर उन्होंने रैंड और अमहर्स्ट जो कि पूना के कमिश्नर थे, प्लेग कमिश्नर, उनको उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, तो तिलक को उठा के लगा दिया। गांधी जी पे कई बार ये कानून लगा है देशद्रोह के खिलाफ और बाद में लगते ही आ रहे, तो इसको लेकर ये चल रहा था कि भाई इसको हटाना चाहिए तो, और सरकार के खिलाफ कहा भी जा रहा था कि भाई आप इसको हटाइए, लेकिन सरकार ने कहा कि हमारा ऐसा कोई भी क्या इंटेंशन नहीं है इसको हटाने का। तो नेहरू हो चाहे गांधी हो चाहे सुभाष हो तिलक हो, सब पे ये लगा है, और सरकार का ये कहना है कि भाई ठीक है कन्विक्शन रेट भले कम है, लेकिन अगर सही में कोई देश को तोड़ने की बात कर रहा है तो हम उसको फिर पकड़ेंगे कैसे।
तो हाई कोर्ट में जब ये सबसे पहली बार ये केस चैलेंज हुए थे 1951 में, तो हाई कोर्ट ने तो इनको बोला कि नहीं भाई ये जो कानून है ये गलत है, इसको स्क्रैप कर दो। लेकिन जब बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में जो पहला केस गया था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में गया था, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये कानून तो ठीक है लेकिन महज कमेंट करने पे, नारे लगाने पर, तख्तियां दिखाने पर, शाउटिंग करने पे देशद्रोही नहीं लगता है जब तक कि उनके इस काम की वजह से कहीं दंगे वायलेंस ना हो। सिर्फ कहे पाकिस्तान जिंदाबाद कह देने से देशद्रोह नहीं होता। ये केदारनाथ सिंह का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बाद में बलवंत सिंह वाला जो 1995 केस था वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार सिर्फ किसी भी तरह की रैली करने पे, जिंदाबाद कहने पे, खालिस्तान जिंदाबाद सब कहने पे सेडिशन नहीं माना जाता। अल्टीमेटली ये है कि आपने कुछ किया उसकी वजह से वायलेंस हुआ, आपने कुछ किया उसकी वजह से दंगे हुए, फसाद हुए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, तभी सेडिशन माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने उठ के कुछ भी कविता लिख दी और सरकार को लग रहा नहीं ये कविता दंगे करा देगी। करा देगी अलग है, करा दे तब सेडिशन होता है। तो इसको लेकर ये बात हो रही थी कि भाई इसको हटाया जाए, तो सरकार ने बोला फिलहाल हमारा कोई मूड नहीं है इसको हटाने का। तो ये आप जानिए 124A के बारे में क्या था, ये देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह। आखिरी न्यूज़ में चलते हैं। देखिए हमारे देश के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल कृष्ण दोषी। ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। आप लोगों को एक व्यक्ति का नाम बताता हूँ, ली कॉर्बूसियर। इन्होंने चंडीगढ़ बसाया, चंडीगढ़ शहर बसाया इन्होंने। चंडीगढ़ हमारे देश का सबसे पहला और कंप्लीट प्लान्ड सिटी, मतलब वहां के उस शहर को बसाने से पहले उसका नक्शा बना था कहाँ पे क्या चीज होगा, ये ली कॉर्बूसियर ने बनाया था। और ली कॉर्बूसियर को 1953 में यूनाइटेड किंगडम की जो रानी थी उन्होंने रॉयल गोल्ड मेडल दिया था। तो ये व्यक्ति ली कॉर्बूसियर के साथ काम कर चुका है, अभी इनकी उम्र 94 ईयर्स हो चुकी है। और इनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो ब्रिटेन की रानी है वो इनको देगी आर्किटेक्चर की फील्ड का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में। और ऐसा पुरस्कार पाने वाले, आर्किटेक्चर की फील्ड में पाने वाले, ये पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिले। तो ये ली कॉर्बूसियर के साथ काम कर चुके हैं। और ये जो भी आर्किटेक्चर बनाते हैं, जो भी वास्तुकला बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, उसमें वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की एक तरह से वो शहर की जो शान है, वो सब कुछ को समावेश करके बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बुलडोजर लाया, गिराया, फिर जो चाहा वो बना दिया। तो बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट बनाते हैं, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, कल्चर फ्रेंडली, मतलब हर चीज से बेहतरीन चीज बना के देते हैं ये। और दुनिया में बहुत बड़ा नाम है आर्किटेक्चर के फील्ड में। इनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड देंगी आर्किटेक्चर का रॉयल गोल्ड मेडल। और ऐसा पाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। 2017 में इनको प्रित्जकर पुरस्कार मिला था, प्रित्जकर पुरस्कार 2018 में मिला था। और ये भी आर्किटेक्चर की फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये पाने वाले भी देश के ये पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट। बाल कृष्ण दोषी आर्किटेक्चर हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके इनको बधाई दी कि आपको रॉयल मेडल फॉर आर्किटेक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, थैंक यू एवरीवन।